ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में ज्वाली महिला मोर्चा ने एक विशाल रैली का आयोजन किया। रैली में मुख्य अतिथि के रूप में कांगड़ा चंबा सांसद व प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने शिरकत की। शांता कुमार को युवा कार्यकर्ताओं द्वारा बड़े काफिले के साथ स्वागत करते हुए सभा स्थल तक पहुंचाया गया। सभा में हजारों की तादाद में महिलाओं ने हिस्सा लिया और शांता कुमार के विचार सुने। शांता कुमार ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों से लगातार केंद्र में जो कांग्रेस की सरकार रही है, उनके मंत्रियों की टीवी व अखबारों में घोटाले की खबर लगातार सुनने को मिलती थी, जिसके कारण उन मंत्रियों पर मुकदमे तक चले तथा उन्हें जेल तक जाना पड़ा। 10 वर्ष तक लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार से दुनिया में भारत का नाम बदनाम हो गया है। विश्व गुरु कहलाने वाला देश घोटालों का देश बनकर रह गया, जबकि पिछले 3 वर्ष से केंद्र में भाजपा की सरकार है। किसी को भी भाजपा पर 3 वर्षों में उंगली उठाने का मौका तक नहीं मिला। पिछले भ्रष्टाचार को सरकार ने खत्म किया तथा उसके परिणाम स्वरूप सरकार का आज खजाना भरा हुआ है। नई नई योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा गरीबों, किसानों, महिलाओं के लिए चलाई जा रही हैं तथा हर वर्ग इसका लाभ उठा रहा है। सरकार की 10 साल कितने घोटाले टीवी पर, अखबारों में कांग्रेसी मंत्रियों के घोटालों की खबर आती थी, मंत्रियों पर मुकदमे चलाने पड़े, मंत्रियों को जेल में डालना पड़ा। 10 साल लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार, पूरी दुनिया में भारत बदनाम हो गया। दुनिया की अखबारें निकलने लगी, ये जो विश्व गुरु कहा जाता था भारत, वो घोटालों का देश बन गया। 10 साल कैसे बीते, 3 साल से हमारी सरकार है। किसी को दिल्ली की हमारी सरकार पर उंगली उठाने का मौका भी नहीं मिला। 3 साल में पुराने भ्रष्टाचार को खत्म करके दिखाया, उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम यह है, भारत का आपका खजाना भरा हुआ है। नई नई योजनाएं, नई नई योजनाएं गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए भारत सरकार की तरफ से आ रही। विधानसभा में कई प्रत्याशी होने वाले प्रश्न पर उत्तर देते हुए सांसद शांता कुमार ने कहा कि टिकट प्राप्त करने वालों की संख्या उस समय अधिक होती है जब सरकार का आना तय होता है। टिकट प्राप्त करने वालों की संख्या अधिक होना भाजपा की विकास की निशानी है। टिकट आवंटन का फैसला भाजपा पार्टी करेगी तथा जिसको भी टिकट दिया जाएगा, सभी कार्यकर्ता उस प्रत्याशी का समर्थन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, तो जब सरकार आने का पूरा विश्वास होता है तो टिकट प्राप्त करने वालों की संख्या अधिक हो जाती है। तो टिकट प्राप्त करने वालों की संख्या अधिक है, ये भारतीय जनता पार्टी के विकास का, उसके आगे बढ़ने की निशानी है। तो उसका कोई, लेकिन जो भी टिकट के लिए कोशिश कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। निर्णय भारतीय जनता पार्टी जब करेगी तो सब, जिसको टिकट मिलेगा उसके लिए सब काम करेगा।